पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं पहले से क्वेश्चन लिख लिया हूँ, ऐसा क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, हो सकता है इसका उपयोग करके कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर भी अपने को देखना है इसको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और यदि स्क्वायर रूट नहीं है तो देगा भी, ये क्यूब रूट है, जैसे कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये छोटा छोटा ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब वो एक्चुअली में क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। पहले स्क्वायर रूट देखते हैं फिर क्यूब रूट देखेंगे, ठीक है। ये है 625, मेन इसको डिजिट्स को लेना आपने को, 441 256 625, ठीक है। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो वो है 25, आपको इतना तो कम से कम जानना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ पे 25 लिख लिया। इसके बाद मैं काउंट करूंगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो स्क्वायर रूट में मैं दो दो का पेयर बनाऊंगा, दो का पेयर बनाया यहां से, दो का पेयर बनाया तो कितना हो गया, दो संख्याएं हो रही, तो उसके रिजल्ट में दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। सिंपल है, ये दो का पेयर बना, दो संख्या बाद में क्या कर लिया, पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। इसमें देखेंगे वैसे ही इतना पता है, 441 का क्या होता है, 21, ठीक है, 21 होता है। अब इधर से मैं पेयर बनाऊंगा दो दो का, ये यहाँ पे तीन पेयर बन रहा है, डिजिट्स में सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट हम लोग एक्स्ट्रा लगा लेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे ये इस जीरो को कोई मतलब नहीं, पॉइंट ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, 256 होता है 16 का, ये 16 में लिख लिया, 1 2 3, एक दो और कुछ नहीं है तो जीरो लगा लिया, तीन, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 0.016, ठीक है। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालना है। अभी देखते हैं क्यूब रूट में क्या कॉन्सेप्ट है, क्यूब रूट में जैसे कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिखिए, उसमें वैसे ही करना, जैसे इसमें करना था वैसे ही करना। लेकिन जब क्यूब रूट की स्थिति में जाएंगे तो अपन तीन तीन संख्या का पेयर बनाएंगे, इधर से काउंट करते हुए तीन संख्या, 1 2 3, तीन संख्या का पेयर बनाए, तो एक संख्या बाद मतलब कितना पेयर बना, एक पेयर बना, यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2, ठीक है। वैसे ही इसमें जाते हैं तो 216 ये होता है 6 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ पे लिख लिया 6, ठीक है। यहां से काउंट किया, एक पेयर दो पेयर, यहाँ पे तीन संख्या का पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद 6 एक संख्या है तो एक और संख्या ले ले, 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं 512, ये 8 का क्यूब होता है, आपको कम से कम 11 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में 11 तक का क्यूब याद करोगे काम चलेगा। 11 का इसलिए क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में 11 का क्यूब बहुत काम आता है, दो तीन बार काम आता है, 9 का क्यूब जो उसमें काम आता है, तो उसको याद रहेगा तो आसानी होगा आपको कैलकुलेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये होगा 512, तो 8 लिख दिया मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद पेयर बनाया, तो 1 2 3 इन तीन का पेयर बनाया, 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये जीरो को कोई मतलब नहीं, इसको कोई काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो आप कोई कोई लोग डाउट में पूछेंगे सर भाई कौन जीरो लगा हुआ, तो जीरो से आप जीरो लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट है। अभी देखते हैं इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आगे देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 900, फिर 0.09, फिर 0.009, तो समय बचाने के लिए अब डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको इसके नीचे ना लिख के जिस फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे, 900 का क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे लिख लिया 30, ठीक है। फिर उसके बाद 0.09, इसका रफ में देखते हैं 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा इसका, और उसके बाद एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.3, फिर इसका देखेंगे ये भी 3 होगा, और उसके बाद दो इसमें पेयर है यहाँ पे 0.03, तो 0.03
थ्री यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 30.0 उसको लिख सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। ये हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 3 3 और ये 30, तो 30.33 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाकर देखना है, 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको बुक में, बिल्कुल उसको बनाकर देखना। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा बड़े डिजिट का इस्तेमाल किया है, तो अपन इसका रूट निकाल के नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए वो गिवन में दे दिया है, इसका 78 होगा, उसका इस्तेमाल करके इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे 78 78 78 78 78 क्या आने वाला है। एक दशमलव के बाद दो संख्या है, मतलब एक संख्या के बाद यहाँ पे 7.8 हो गया, यहाँ पे दशमलव के बाद चार संख्या है, दो पेयर बनेगा, ये हो जाएगा 0.78। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 3 पेयर बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 0.078। यहाँ पे बाद 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ऐसा इसका रूट निकल के बाहर आएगा। फिर इसके बाद इसको एकदम एक के नीचे अच्छे से लिखना है, क्योंकि लिखने में गलती हुई तो थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, लिखने में गलती हुई तो आपको रिजल्ट फिर गलत मिलेगा। 7.8 0.78 0.78, उसके बाद 0.078 0.078 0.0078 ये आ गया आपका, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ध्यान से, सुपर कुछ नहीं, 8 हो जाएगा 15 5 1 हो जाएगा 17 1 हो जाएगा 17 1 जाएगा, ये हो जाएगा 8.6658। आपको ध्यान से जोड़ना है, दशमलव इधर तो नहीं खसका रहे हैं, बाकी फिर आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्यूब रूट का इस्तेमाल किया है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें क्यूब रूट है, लेकिन क्यूब रूट का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 5 6 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी 5 6 यहाँ भी 5 6, बस डेसिमल का प्लेस अपने को देखना है। दशमलव के बाद एक पेयर बन रहा है, ठीक है, 5.6 हो जाएगा, एक ही पेयर बन रहा है इसलिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें दशमलव के बाद दो पेयर बन रहा है, 3 3 का 3 इसे ले रहा हूं कि क्यूब रूट है, 1 2 यहां पॉइंट लगा लेते हैं 0.56। उसके बाद 1 2 3 और ये 3, ठीक है, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5.6 0.56 और ये 0.056, ठीक है। इसको जोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 5 11, ये इधर आएगा 6 5 11 12 हो जाएगा, फिर इधर एक हो जाएगा 5 और 1 6, तो 6.216 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, बनाकर देखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर समझ में आएगा आपको। और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल ये वेबसाइट में ये वीडियो बिल्कुल रहेगा, उसी के नीचे कमेंट कीजिए, आप चाहे तो यूट्यूब से देखिए चाहे तो वेबसाइट से देखिए, दोनों जगह ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप वहीं पे वेबसाइट में क्वेश्चन पूछना है तो वेबसाइट में कीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को यदि पूछ रहा है तो क्या हो रहा है, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ, वो उसका फायदा कोई दूसरा नहीं ले पा रहा है, ठीक है। और ये मान लो कोई वेबसाइट पे पूछ रहेगा तो आपको बाद में कोई डाउट सेम डाउट आता है तो उसको रेफरेंस दे सकते हैं, देख सकता है वहाँ पे सेम डाउट के लिए, तो बिल्कुल वहां जाइए, आपको नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिख रहा होगा वेबसाइट का, उसमें जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, हमारा ये फेसबुक पेज है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।